देखिए कल शाम तक का जो आंकड़ा था वो 3,05,00,000 हो चुके थे और आज का जो आंकड़ा है वो लेट इवनिंग करीब 7 बजे तक हमको मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जाने वालों की संख्या ज़्यादा है और आने वालों की अपेक्षाकृत कम है। कल तकरीबन 70,00,000 के आसपास लोग आए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी करीब 50 के आसपास लोगों का आगमन हुआ है, लेकिन निकल काफ़ी लोग रहे हैं और कुल मिलाकर अभी तक की व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही हैं। उस वक्त कितना कह सकते हैं आप लोगों का? हम लोगों का देखिए जो आकलन था शुरू से कि लगभग 4 करोड़ के आसपास लोग आएंगे, अभी कल का भी दिन बचा हुआ है और चूंकि ये कल काफ़ी लोकल आसपास के ज़िले जो हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और हरिद्वार के लोकल जो तहसील क्षेत्र के लोग हैं वो भी आएंगे, तो यह आंकड़ा मुझे लगता है कि लगभग 4.25 से 4 करोड़ के आसपास टच करना चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं 3.5 करोड़ के लगभग हरिद्वार? निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि 3.5 करोड़ तो लगभग हो चुके हैं। सर, निरीक्षण किया आपने, किस तरह की व्यवस्था लगी आपको आज? देखिए आज ट्रैफिक कल दोपहर बाद से लेकर करीब 12:30-1 से लेकर शाम को 6 बजे तक ट्रैफिक की स्थिति काफ़ी टफ थी हम लोगों के लिए। ऑलमोस्ट सारी रोड ब्लॉक्स हो गई थी, फिर भी हिल बाईपास खोलने से और हमारे जो पुलिस के और प्रशासन के अधिकारियों ने बड़ी मशक्कत करके हर संभव प्रयास किया कि ट्रैफिक कहीं रुके ना, धीमे धीमे ही मूव करता रहा, लेकिन आज मोर आर लेस काफ़ी नॉर्मल स्थिति है और जो कमियां कल रही हैं उसको आज मॉर्निंग से ही बहुत दुरुस्त कर लिया गया, इससे ट्रैफिक आम तौर पर फ्लो ठीक है, ठीक चल रहा है। ये कह सकते हैं कि 10 दिन के अंदर सर कावड़ मेले की आपने व्यवस्था की है? कावड़ एक कुंभी होता है हरिद्वार में, उसको सालों लग जाते हैं और आपने सर 10 दिन में कावड़ व्यवस्था की है और 3.5 करोड़ के लगभग श्रद्धालु आ चुके हैं, आप लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण था सर, क्या मन में आ रहा था सर? देखिए ये कोई भी उत्सव होता है, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, जहाँ पर बड़ी संख्या में जन समुदाय की भागीदारी होती है, हर इवेंट अपने आप में बहुत ही अधिक चुनौतीपूर्ण होता है और ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि 2 साल बाद ये आयोजित हो रहा था। इसीलिए हम लोगों ने मई के महीने से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, हर संभव प्रयास किया कि आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, आम जो यहाँ के हरिद्वार वासी हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। प्रयास सभी का बड़ा सामूहिक रहा है और हम अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेला सकुशल संपन्न हो। सर कल बिल्कुल पैक था हरिद्वार, पूरा दबाव पड़ कर शेयर करेंगे सर हम लोगों के साथ? नहीं देखिए वो बस यही लगातार अपने अधिकारियों को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, पुलिस के ऑफिसर्स हों, मेडिकल डिपार्टमेंट के हों या और भी जल संस्थान, पेयजल, नगर निगम, सभी को लगातार मैं व्यक्तिगत रूप से बात करके और भ्रमण करके उनका उत्साहवर्धन ही लगातार कर रहा था कि आप अपने इस भीड़ को देखकर हतोत्साहित ना हों, जिस तरह से आपने इतने दिनों तक काम किया है उसी जोश खरोश के साथ काम करें और सब कुछ सकुशल संपन्न होगा। सर कोरोना के केस जैसे बढ़ रहे हैं तो आपने क्या दिशा निर्देश दिए अब? आज मैंने एक आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि देखिए कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हम लोगों ने पहले ये अनुरोध किया था सभी कांवड़ यात्रियों से, बॉर्डर पर भी हमारा अनुरोध था कि आप मास्क पहनें, कुछ लोगों ने पालन भी किया, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जहाँ लोग आते हैं वहाँ पर ये अनुपालन सख्ती से कराया जाना संभव नहीं हो पाता। साथ ही आप सोच सकते हैं कि जहाँ 2-3 करोड़ लोग आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन किया जाना नितांत असंभव सा होता है। चूँकि भीड़ आज से कम होनी शुरू हुई है तो आज हमने भी एक शाम को एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक आदेश भी पारित किया है, हमें जो वहाँ से प्राप्त हुआ है निर्देश, और उसमें हम लोगों ने मास्क को अनिवार्य करने की, मतलब उनको ये अनुरोध किया है कि मास्क आप पहने। इसके अलावा टेस्टिंग बढ़ाने पर अब अगले 2-3 दिनों में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ जो जिनको फीवर है या इन्फ्लुएंजा की शिकायत है उनकी बाकायदा जांच करके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी दून हॉस्पिटल को भेजा जाएगा। कुल मिलाकर हमारा ध्यान अब इस पर होगा कि ये स्प्रेड ना हो।